नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमाम्यहं मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काया क्लब के अंदर। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसे आप नाड़ी वैद्य काया क्लब के नाम से जानते हैं, उस पर बहुत से लोगों का सवाल था कि इसनोफीलिया का इलाज क्या है, इसनोफीलिया बढ़ गया है, इसे आयुर्वेद में कैसे ठीक किया जा सकता है और ये क्यों हो जाता है। एलोपैथी साइंस कहती है कि जो शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करती हैं, जब वो बढ़ जाते हैं तो वही शरीर को नष्ट करने लग जाती है। कफ के रूप में आपको खांसी बन जाती है, सांस फूलने लग जाता है, घबराहट बन जाती है, बेचैनी बन जाती है, या बोन मैरो खत्म होने लग जाता है, या यूं समझिए कि शरीर के अंदर इसकी अधिकता से बहुत से रोग, संक्रमण जन्य रोग, वायरस जन्य रोग, या जिसको आप बैक्टीरिया जन्य रोग भी कह सकते हैं, क्योंकि कफ के अंदर जब कोई भी बैक्टीरिया पैदा होता है, जीवाणु पैदा होता है, तो रोग बढ़ जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि आपकी रस अग्नि के तेज होने से जब रस से रक्त बनता है तो इसनोफीलिया नहीं बढ़ता। यानी जो कच्ची राड़ से शरीर के अंदर रस पैदा होता है उसको एक पतले कफ के रूप में जाना जाता है, और जब यही कफ बढ़ जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो कहते हैं इसनोफीलिया बढ़ गया है। यानी कफ का बढ़ जाना, अधिक हो जाना, और यही कफ जब आपकी धातुओं से गुजरता है तो उसमें रास्ता जो है भीड़ा होकर कमजोर तंग हो जाता है, और जब आप काम करते हैं, चलते हैं, तो आपके अंदर सांस फूलने लग जाता है, दम उखड़ जाता है, और कई बार खांसी भी आने लग जाती है। और जब शरीर में रस से रक्त नहीं बनता तो मांस मेद अस्थि मज्जा और मज्जा का जो रस है वो नहीं बन पाता, तो कहते हैं हमारा बोन मैरो कम हो गया, जिससे हड्डियां भुरभुराने लग जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। यानी एक साधारण सी बात है, अगर आपकी जठरग्नि ठीक है तो आपको इसनोफीलिया नहीं बढ़ेगा। इस इसनोफीलिया को ठीक करने के लिए आरोग्यवर्धन वटी आती है आयुर्वेद में, खदीरा रिष्ट के साथ आप उसका प्रयोग कीजिए। लेकिन किसी भी रोग को ठीक करने से पहले पेट को साफ कर लीजिए, और पेट को साफ करने के लिए पंचकार चूर्ण आता है, आप पंचकार चूर्ण एक चम्मच रात को गर्म पानी के साथ ले लीजिए, और सुबह जो है भोजन के साथ खदीरा रिष्ट के साथ आरोग्यवर्धन वटी का प्रयोग करके देखिए, आपका इसनोफीलिया ठीक हो जाएगा। यानी आपका रसात रक्तम ततो मांस मांसान वेद सतो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जा शुक्रम शुक्रा तक गर्भम पर जाते, जो खाते हैं जब सही रूप से पाचन हो जाता है तो रस का रक्त बन जाता है, लेकिन जब रस का रक्त नहीं बनता तो ये कफ इसनोफीलिया बढ़ जाता है, बढ़ जाने से यही बीमारी पैदा करता है। आयुर्वेद यही तो कहता है, किसी भी चीज का बढ़ना भी बीमारी है और कम होना भी बीमारी है, यानी अति योग भी बीमारी है और हीन योग यानी कम हो जाना भी बीमारी है। और घरेलू इलाज अगर करना चाहते हैं, आपको शुगर नहीं है तो आप एक चौथाई चम्मच हल्दी ले लीजिए, और उसमें एक चम्मच चीनी या खांड मिला लीजिए, और उसको आधा घंटे तक खा करके, पानी वानी कुछ नहीं पीना, न दूध लेना है, दिन में दो बार आपको करके देखिए, आपका इसनोफीलिया ठीक हो जाएगा। शाम के समय सोते समय अगर बेसन का हलवा बना लेते हैं, उस बेसन के हलवे में थोड़ी सी हल्दी डाल करके, थोड़ी सी अजवाइन डाल करके पतला हलवा बना करके खा लीजिए, उससे भी आपका इसनोफीलिया ठीक हो जाएगा। नहीं तो भोजन से एक रोटी कम आप कीजिए, और भोजन के साथ थोड़ा सा गर्म पानी में नींबू डाल करके उस नींबू पानी का प्रयोग कीजिए। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पानी अमृत का काम करता है, लेकिन कैसे पीना चाहिए, मुहुर मुहु वारम वारम वा जिभ्याम प्रक्षालनम कृत्वा भोजनम कृतव्यम, बार बार जिभ्या को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए, घूंट घूंट करके भोजन का आपने प्रयोग करना चाहिए। अगर इस तरह से आपका भोजन प्रयोग करते हैं तो इसनोफीलिया नहीं बढ़ता। कई बार ज़्यादा बुखार रह जाने से, या जुखाम रह जाने से, या बार बार टाइफाइड या ब्लूरबिन के बढ़ जाने से हमारा इंटेस्टाइन कमजोर हो जाता है, तब भी इसनोफीलिया बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आपको जुखाम होता है तो गर्म पानी पी करके कप मुँह ढक करके आप लेट जाइए, जो खूब पसीना आ जाता है तो दूध की कुल्फी फ्रिज में जमा लीजिए और एक कटोरा वो कुल्फी खा जाइए, आपका जुकाम सदा के लिए ठीक हो जाएगा। जिसको ठीक करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को खत्म कर देते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देते हैं। आप किसी भी प्रकार के घरेलू इलाज जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अवश्य देखिए। आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने साथियों को भी बताइए, क्योंकि एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर है। और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाइए,
किसी भी प्रकार की अगर आपकी समस्या है, आपके रिश्तेदार की समस्या है, तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल यानी नाड़ी वैद्य कला क्लब पर कमेंट्स अवश्य कीजिए। आपके कमेंट्स का जवाब मिलेगा और सही इलाज मिलेगा, नहीं तो आप जो नीचे नंबर देख रहे हैं किसी नंबर पर फोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मेरे पास आइए, मैं नाड़ी देखकर आपके रोग का सही कारण करके रोग को समूल नष्ट करते हैं कि आयुर्वेद का सिद्धांत है, क्योंकि रोग के कारण को दूर कर दीजिए बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। तो रोग के कारण को दूर करेंगे, गच्छामी, पुनर्मिलाए जा रहा है दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।